जिलाधिकारी भोजपुर रोशन कुशवाहा के द्वारा मुख्यमंत्री बिहार के संदेश जो आगामी बिहार दिवस दिनांक 22 मार्च के संबंध में है, स्कूली छात्राओं के बीच आरा स्थित मिडिल स्कूल में वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे ऐसे बिहार दिवस के दिन खोल कर अवश्य पढ़ें, जिसमें मुख्यमंत्री बिहार ने स्कूल के अध्ययनरत छात्र छात्राओं से सीधे संवाद किया। ज्ञात हो कि यह संदेश सभी विद्यालयों में एवं जीविका दीदियों को 22 मार्च के पूर्व उपलब्ध कराया जाना है। उक्त संदेश को जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से सभी विद्यालयों एवं शिक्षा विभाग एवं जीविका को उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे। 22 तारीख को पढ़िएगा, ठीक है ना? नहीं, मिलाइए 8 बजे बच्चों को। आओ ना, अरे आओ ना, तुम जा रहे हो। चलो 4 8 बजे आ जाओ, 4 8 बजे। अच्छा ये बेटा, सबको ये बेटा, सब वही रहना। स्कूल में कार्यक्रम किया गया है, बच्चों के बीच में कैसा पत्र दिया गया है? देखिए, आगामी बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को और जीविका की दीदियों को एक पत्र लिखा गया। ये पत्र सभी बच्चों को स्कूलों के माध्यम से और सभी जीविका दीदियों को जीविका के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है, और सभी से अनुरोध है कि 22 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संदेश दिया गया है उसको पढ़ें और उसमें अमल लाएं, और उनका जो संदेश देना उनको चाहा है छात्र छात्राओं को, जीविका दीदियों को, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। विद्यालय की छात्रा को चयनित हुई सर, आपने कहा कि 22 तारीख को ये पत्र खोलेगा, कुछ उसमें खास है क्या सर? किस तरह का संदेश है? देखिए, 22 तारीख को जब पत्र खुलेगा तो संदेश सबके सामने आ जाएगा। ये चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे उनको संवाद किया है, तो आप लोग सभी 22 तारीख को रोज मेरा यही रहेगा कि उसी दिन बच्चों से पूछें कि उनको क्या संदेश दिया। सर, बिहार दिवस के लिए कुछ कार्यक्रम वगैरह कुछ इस तरीके का? देखिए, अभी कोविड वैश्विक महामारी का जैसा सिनेरियो रहेगा उसके हिसाब से सरकार आगे के निर्देश देगी कि 22 मार्च को कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस हम सब लोगों के दिल में है, उसको किसी कार्यक्रम या भीड़ भाड़ के माध्यम से हम लोग को बनाना जरूरी नहीं। पिछली बार भी हम लोगों ने कोविड महामारी को देखते हुए शालीनता से मनाया था, तो जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। लेकिन सभी लोगों को बिहार दिवस की हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और सभी लोगों से ये भी उम्मीद है कि जो कोविड-19 का जो सेकेंड लहर चल रही है, कुछ राज्यों में बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, तो उसको देखते हुए सब लोग सजग रहें और अपनी तैयारियाँ जारी रखें, ताकि फिर से हम लोगों को कोई लॉकडाउन या इस तरह की अनावश्यक चीज़ों से हम लोग बच सकें। धन्यवाद।